वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटीज स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल, इसका चांसेस हम प्रोबेबिलिटी से निकल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर दे तो जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया तो सभी जानते हैं कि डाई में 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, उसका चांस हम प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले कुछ रिलेटेड टर्म्स है उसको पहले हम समझाते हैं। फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट, एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर कोई एक्शन से हम लोगों को कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिले तो उस एक्शन को एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट, An experiment is called random if it has more than one possible outcome and it is not possible to tell the outcome in advance. मतलब अगर एक से ज़्यादा outcome मिलने की possibility है तो उसी experiment को हम random experiment बोलेंगे। और outcome क्या होगा ये हम पहले predict नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का कुछ एग्जांपल। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि कुछ भी आउटकम आ सकता है, हेड या टेल। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, थ्रोइंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो ये सारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल्स है क्योंकि बहुत सारा आउटकम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सैंपल स्पेस, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब एक एक्सपेरिमेंट का जितना सारा आउटकम हो सकता है वो सारा आउटकम का जो कलेक्शन है उसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इवेंट, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसका कुछ पार्ट हमको चाहिए, मतलब उसका जो आउटकम है वो कंडीशन बेसिस हो, तो उसी कंडीशंस को हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे व्हेन अ डाई इज थ्रोन वी कैन गेट एनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर एक डाई को हम थ्रो करें तो कोई भी आउटकम आ सकता है 1 से 6 तक। सो द सैंपल स्पेस s इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अ फ्यू इवेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी गेटिंग अ 6, getting an even number, getting a prime number, getting a number less than 5। मतलब तो event क्या है इसी experiment का, जैसे 6 आने का chances कितना है, ये एक event है। even numbers outcome में मिलेगा इसका chances कितना है, ये एक event है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई सबसेट, मतलब कोई पोर्शन हमको चाहिए, ठीक है, या कंडीशन बेसिस आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। नेक्स्ट देखो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब ये जो इवेंट है ये अगर ऑकर करे तो उसको हम बोलेंगे ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। व्हेन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट satisfies the condition mentioned in the event, then
वी से दैट इवेंट हैज ऑकर्ड, मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है या जो इवेंट बोला गया है, अगर वो इवेंट ऑकर करे तो हम बोलेंगे ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो फेवरेबल आउटकम। द आउटकम विच एंश्योर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम, मतलब जो इवेंट दिया गया है उसका जो आउटकम है उसी आउटकम को हम लोग फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इक्वली लाइकली आउटकम। इफ देयर इज नो रीजन फॉर एनी वन आउटकम टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू एनी अदर आउटकम वी से दैट द आउटकम आर इक्वली लाइकली, मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट में जितना सारा आउटकम है सबका प्रेफरेंस सेम है तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब हर एक आउटकम का सेम प्रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो इन टॉसिंग अ कॉइन इट इज इक्वली लाइकली दैट द कॉइन लैंड्स आइदर हेड अप और टेल अप। जैसे अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड पड़ने का चांस और टेल पड़ने का चांस इक्वल है, तो इसीलिए ये दो पॉसिबिलिटीज इक्वली लाइकली है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। द अजम्पशन दैट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली लीड टू द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी ई इज डिफाइंड एज पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E divided by total number of possible outcomes, मतलब probability दो number का ratio है, numerator में है number of favorable outcome और denominator में है total number of possible outcome, तो ये दो number का जो ratio है उसको हम probability बोलेंगे। Let E be an event, then the number of outcomes favorable to E is greater than or equal to 0 and is less than or equal to the total number of outcomes. It follows that PE is greater than equal to 0, less than equal to 1. मतलब किसी भी random experiment का जो probability है वो either 0 से ज़्यादा या equal to 0 होगा और 1 से कम या इक्वल टू 1 होगा। कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्योर इवेंट। एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, मतलब जो इवेंट होना ही है उसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे। जैसे देखो when we throw our die then the event getting a number less than 7 is a sure event, मतलब अगर हम एक die throw करें और event हो के getting a number less than 7 तो वो तो sure event है। क्यों? क्योंकि एक die में 6 number होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारा नंबर लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 कोई नंबर अगर आउटकम होना है तो वो तो श्योर इवेंट है। ठीक है, अगर 1 पड़ेगा तो भी लेस देन 7, अगर 6 पड़ेगा तो भी लेस देन 7, तो ये श्योर इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, हमेशा द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच नेवर हैपेंस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। जैसे देखो व्हेन वी थ्रो अ डाई देन द इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज
एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब एक डाई में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर रहते हैं, तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ये तो हो ही नहीं सकता। डाई थ्रो करने से ग्रेटर देन 6 नंबर तो कोई भी नहीं आएगा, तो इसीलिए ये है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो एलिमेंटरी इवेंट, एन इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम फ्रॉम द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन एलिमेंटरी इवेंट। अगर एक ही आउटकम हो तो उसको एलिमेंटरी इवेंट बोलेंगे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मतलब अगर सारा एलिमेंटरी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें उसके बाद उसका सम करें तो वो होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट विच हैज मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। अगर मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम हो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी थ्रो अ डाई देन द इवेंट गेटिंग 5 दैट इज 5 इज एन एलिमेंटरी इवेंट, वेयर एज द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर 2, 4, 6 इज अ कंपाउंड इवेंट। अगर सिर्फ 5 चाहिए तो वो हो गया एलिमेंटरी इवेंट, लेकिन अगर कोई इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर तो 3 है एक डाई में, 2, 4 एंड 6 तो वो हो गया कंपाउंड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंप्लीमेंटरी इवेंट, इफ ई इज एन इवेंट देन द इवेंट नॉट ई इज कंप्लीमेंटरी इवेंट ऑफ ई। तो अगर ई एक इवेंट है तो उसका कंप्लीमेंटरी क्या होगा, ई डैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी थ्रो अ डाई लेट ई बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 2। तो अगर एक डाई थ्रो करे तो उसका एक इवेंट हम कंसिडर करते हैं जैसे लेस देन और इक्वल टू 2, ये एक इवेंट है। ठीक है, देन द इवेंट नॉट ई, मतलब तो उसका कंप्लीमेंटरी इवेंट क्या होगा, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर लेस देन 2 एक इवेंट है तो ग्रेटर देन 2 उसका कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ सिंबल दिया है कि कैसे कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट को हम सिंबलाइज करें, जैसे ई बार भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर सी भी लिख सकते हैं या ई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट को नेक्स्ट कुछ रिलेशन दिया है इवेंट और कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट का। फर्स्ट रिलेशन, पी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ये तो पहले ही हमने देखा, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा या 0 से 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो 1 से कम या 1 का इक्वल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखो, पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई, मतलब 1 से अगर इवेंट को माइनस करें उसका कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट हमको मिलेगा। नेक्स्ट पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार, मतलब 1 से अगर कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट को माइनस करें तो इवेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 रिलेशन, पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1, मतलब इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट का अगर समेशन लिया जाए तो वो होगा 1। ठीक है, तो यही था थ्योरी पोर्शन प्रोबेबिलिटी का, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।